ये जुले संग मैने टॉपिक चोचेसि नोले क्वारंटीन यांग स्पेसिफिकली जरना वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सीड क्वॉरंटीन सो अलेने जो ने ये जो सिलेबस है ना ये नोकले सीड चोचेसि नोकलेने ने सीड आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीट क्वारंटीन एंड देन वॉट इज द

ठीक मिराले सोंसपा ते विफिया तने ये का टॉपिक पो सीड क्वारंटाइन मा बोरा खट्टा गाची बोरते हो प्लांट क्वारंटाइन सेते ठीक मिराले ना क्वारंटाइन जरा चिपंगे जाता छोटे छोटे लोग इस सोंस नो खला ता छंग माला छोटे नो एंड वी ऑल आर वेरी फेमिलियर विद दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट इज क्वारंटाइन hala chi nokle quarantine zara chi po you all know dang de nya chi charuk for example somebody is coming

लिमिटेड क्वारंटीन पीरियड चिंना तुम अनुका बिना सिम्टम्स शो जोत ना सो दैट मींस तना इन्फेक्टेड योते ना प्रोपर ट्रिटमेंट मा तंगा हाँ ते जूमो गेल चुक्स तेस्ंगे मानेंगा तेने की फेमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स तक हलाफी संगमला छा चुका सो सो देट इज द मेजर देट हेज बीन टेकन टू एंश्योर देट अननेसे या कौ खेतना पैथोजेनी be it virus bacteria or anything doesn't spread to uh, other people theek mera le then the same चीज यहां पे this quarantine is not a new term halanga ta in term bahut ne bhale use chune ho sano for plant quarantine then that's like yang chalak shifian quarantine jo yang cheno वी आर दफसंग का क्वारंटीन वो सिर्फ प्लान एक नास्ता च नुकते न प्लांट ना जर ना आता है सी डिस्कोलता ठीक मिला ले सो हियर यू कैन लुक एट द डेफिनेशन ऑफ क्वारंटीन क्वारंटीन इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल वो आदमी का भी हो सकता है और गुड्स गुड्स मैंने चालक चीजा चालक में आपका प्लांट भी आ सकता है एनिमल भी आ सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं चीजें की नला सो दैट

ताकि उससे दूसरों को वो इन्फेक्शन होने का चांसेस जो है उसको हम रोक सकें ठीक मेरा ले सो so, नाउ if we talk this in terms of plant quarantine zrajikpo then it is a legal restriction on movement of agricultural commodities theek mera so ye ek legal restriction hai chola restriction jeman you government impose chokan jingata ka ta daksangata for example pilok neong kanji fi rt pcr result jom mandatory no khala ten na tsokslat that is something legal theek mera so legal restriction on movement of agricultural commodities commodities মানে জি জি চালক শিকিনন কাও agricultural product chic in ते है, ते ते वी, ते वी, ते वी, तो हंगाई का रिस्ट्रिक्शंस रे क्या खाला रिस्ट्रिक्शन ते पर्पज पुछी नोकना इट इज फॉर द एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन माने पिंचेस प्रिवेंशन माने मने स्क्योपच्चेस और डिले मने तई लेट जोचेस हाला प्रोलॉन्ग जोचेस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट डिजीज और पैरासाइट्स इन द एरिया वेयर दे आर नॉट प्रेजेंट सो ये एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन सिस्टम है प्लांट क्वारेंटीन का वे करने हाँ तीन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज गुण मूवमेंट जो आता मूवमेंट different kind of for example state chicken state chiga for example nga ta hai, export jo do i ka ne nga ta wheat ha la nga uh, ta to ta ba no to nga ta in na ka ne yang next state chi himachal pradesh la nga ta to export jo je na te ne te wi fyang yang proper legislation ji gyot kya ka we through plant quarantine yi, through songs de man, te mane te ku chalak po chul la nga ta kal nya na ma no te na chok la country chi ne country chi ga india ne nga ta philoga kala do yang country ji ya yang country ji ne uh, india import jo do ची इन नंग माना ते नाते जगह सोमा वे कहते प्लांट प्रोडक्ट पो इंट्रोड्यूस जो आ चिकपो वी डोंट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू डिज़ीज़ इन दैट एरिया ठीक मेरा ली तेफिया प्लांट क्वारंटीन में जो ना सो इट इन्श्योर्स द डिजीज एंड पेस्ट फ्री डिजीज फ्री और पेस्ट फ्री प्लांट्स बाई आइसोलेटिंग दैम अंटिल दे आर कन्फर्म्ड हेल्दी तो जब तक वो प्लांट हेल्दी कन्फर्म मीछाते थक पाँगा चिचौन से ना उनको हम क्वारंटीन में रखते हैं ठीक है सो द टर्म क्वारंटीन मे रेफर टू द क्वारंटीन स्टेशन इट सेल्फ़ सो आगता है क्वारंटीन ज़रा चिपो क जगह का को क्वारंटीन जो उससे बोर्डते होते हो आता है क्वारंटीन स्टेशन को हम क्वारंटीन भी कह सकते हैं या फिर वो जगह जहाँ पे आपका मटेरियल जो भी आपने इम्पोर्ट किया है उसको प्योरीफाई करने का काम टेस्टिंग करने का काम चल रहा होगा उस जगह को भी आप क्वारंटीन कहते हैं उस प्रोसेस को भी आई एम सॉरी हम क्वारंटीन कहते हैं सो इट इज़ अ प्रोसेस एज वेल एज द स्टेशन इट्सल्फ ओके सो अ फोर्टी डेज़ क्वारंटीन पीरियड इज़ इन रूल फॉर आइसोलेटिंग द प्लांट मटीरियल सो बाय रूल आपका क्या होता है कि फोर्टी डेज़ तक आपका एक क्वारंटीन पीरियड चलता है तेफिया द नेम क्वारंटीन हम यूज़ करते हैं फॉर आइसोलेटिंग द प्लांट मटीरियल ठीक मेरा लें ओके आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट क्वारंटीन तेना प्लान क्वारंटीन म लीगल एस्पेक्ट्स मांग पो उत क्या माँ रिजनल सेंटर मांग पोत क्या माँग पो सेंटर्स उतको हंगा टेस्टिंग डुलाडो का विनाको हंगा इंस्पेक्शन डुलाडो हला बट देन त्यो म वास्ट एरिया यू नो सो वी आर नॉट गोईंग टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानीन क्वारंटीन इन दिस पर्टिकुलर लैक्चर बिकॉज दैट इज not possible because it is an uh, area of specialization in itself tik mira le so pa sanga ta introduction bo ha go gus tes po ma khag chan le so because we don't want any unnecessary unwanted disease to be introduced in a particular area tik na now ये इंट्रोडक्शन चुस्ते नौ ताकसा बाकी ऑब्जेक्टिव्स इंपोर्टेंस इम्पोर्टेंस मान ये निजा स्टेप्स रिग या एक्सट्रा स्लाइडस रिग इन कौ क्योपाने का भी कहीं निजे नोलेजापिक माँ चेन बाकी ना इस मंगपो सिलचस लाइत्ते हेले ओके नाव इन दिस चार्ट यू कैन लुक एट दिस पैथोजेंस इन पैथोजें मंपो द्वारा एंड दिस आर द डिजीज नेम्स kaun ke tanga ta i uh, 1800s nang anga ta regulations me ches pe jaste plant quarantine regulations me ches pe jaste nga early is 90s uh, uh, eh, nang late 1800s gun na ke Ma po zumo ke ta nang Ma po pathogen nga ta country gun ne inde introduce son quartier za nang import chot kam import karte jate the but then there was no regulation to check whether those प्लान प्रोडक्ट्स वेदर बी हम कल ते सीड ची इो या फिर हाँ फिर लोग सीड मन पाया प्लान प्रोडक्ट्स चीज ना तो ना या डिजीज मांग लिया क्या सीड इंद फ्रूट इंदो ची इंपोर्ट जो है हई सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल हेमिलिया वेस्ट्रेट्रिक्स वेस्टेट्रिक्स तो इु खेतना कॉफी रस्ट कॉस्ट जो कानी पैथोजन एन का श्रीलंके इंट्रोड्यूस चुना चाहिए

तेनात असलम मांग पोईस हमें ये एग्जाम्पल इन आप लोग ये पढ़ लीजिएगा फॉर एग्ज़ाम्पल जो वायरस बनाना बंशी टॉप वायरस है वो हमने श्रीलंका से इम्पोर्ट किया था वहाँ से आया है लाइक वाइज अनियन स्मट तेना तो असल्भ पटेटो गोल्डन नीमाटोट हला नेमाटोट मांग पा इंट्रोड्यूस हों क्या आपके यूरोप से ठीक मेरा ले सोच पसाई ये डिजीज संग माई खेते ना उतरे रेगुलेशन में पे जास्ते क्वारेंटीन हल में चिस्पे तो सोचते ठीक मिला सो इस इज़ देयर नीड ऑफ प्लांट क्वारेंटीन सो प्लांट क्वारेंटीन की ज़रूरत क्यों है अ न्यू पेस्ट आफ्टर अराइवल एंड एस्टेब्लिशमेंट कैन रैपिडली डेवलप इंटू डिस्ट्रक्टिव प्रपोर्शंस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ नेचुरल एनिमीज इन द न्यू एनवारोमेंट यू माई इंपॉर्टेंट टॉपिक चिका गो चुक्च इनो कि जब भी एक पेस्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाता ले ते है लेबा चिकपो ते त्योलेबा चिकपो फॉर एग्जांपल गाता है इस जगह ने इस जगह का गात इंट्रोड्यूस चूश किया कोई भी आई मीन फॉर एग्जांपल कोई भी सीड हमने इंपोर्ट किया लेट्स से वीट गात इम्पोर्ट जूस किया खला वीट पो इन खुआ किया नाउ अलॉन्ग विद दिस वीट खो एम्पोची ट्रांसफर चूश किया खुए

वेन वी इंट्रोड्यूस दिस इंटू अ न्यू एरिया जहाँ पे आपका ये पैथोजन आ चुका है तो वहाँ पे वी डोंट हैव दिस नेचुरल एनिमीज सो नेचुरल एनिमी यहाँ पे नहीं है सो दैट इज वाई जो आपके पैथोजन होंगे वो काफ़ी अच्छी तरह से वो फ्लरिश करेंगे सर्वाइव करेंगे वो साथ साथ में फ्लरिश करेंगे एंड इन दैट एरिया ये पूरा आपका भर जाएगा विद डैट पर्टिकुलर पैथोजन सो वी डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन ठीक मेरा ले ओके सो प्लांट पेस्ट एपिडेमिक्स गुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये आपको पता है जमशिंगाता एग्रीकल्चर थोबा दयांगना प्रोडक्ट थोबा थीडियो थोबामा अगर एक एपिडेमिक हो जाता है जुमोजगे गैस है जिक पो तेते बिना नहीं गाता जैसे गाता लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो सोचते तो ना तेने पटेटो को गाता है पूरा जिकंज क्यों थोपते नो तेना डैमेज पटेटोज क्यों थपते नो का वजह से गाते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो मशांटे कम जाना ओके सो दिस में एडवर्सली एफेक्ट द फूड प्रोडक्शन और एन एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट ट्रेड सो आपको पता है गाताएँ फॉर एग्जाम्पल वीट पोज यू तो साम से इम्पोर्ट चूज क्या कि अब इंडिया में कमी हो रही है वीट की एग्जाम्पल लाइन है तो हमने व्हीट इंपोर्ट कर लिया बट देन फिर क्या हो जाएगा कि इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन में उल्टा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पूरा डिजीज़ फैल जाएगा ठीक मेरा डिजीज फैल जाएगा और वो प्रॉपरली फूड प्रोड्यूस किसान जो है वो फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा वो ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा ठीक ले सो इन टर्न उसकी वजह से हम जो एक्सपोर्ट भी करते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है ओके सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी दैट वी आर एनफोर्सिंग लॉस ठीक मेरा लिंगा तु लॉस रिक प्लांट क्वारेंटीन जो जैसे जरूरत दे भी अच्छा है नाउ प्लांट क्वारेंटीन ने थ्री डिविजन्स हो क्या यूज अगो चूक माइ सिल वो क्या नंबर फर्स्ट इज डोमेस्टिक क्वारंटीन सो डोमेस्टिका पता so, न एक, एक स्टेट से दूसरे से है ग, स्टेट में विद इन द कंट्री सो विद इन द कंट्री इंडिया खुले नंगो ये ना जगह चाहता कल अपना प्लांट प्रोडक्ट गुन फॉर एग्जाम्पल तक सीट जरा सीड इसकिन सीट्स गुनगाए कल तेज़ का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्टेट में अगर भेजते हैं तो वहाँ पर डोमेस्टिक क्वारंटीन फैसिलिटी भी है सो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट को बिना क्वारटीन फैसिलिटी के ये प्रोवाइड करते ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो वायरसेस हैं ऐसे डिजीज़ेस हैं का वह नांग प्रोहिबिटेड दु यंग स्टेट्स को ना माने तंगया ना मानो क्यों फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना बंची टॉप वायरस का असम वेस्ट बंगाल केरला गुने ना युत वहाँ से ये वाला वायरस जो है वो हम रिस्ट्रिक्ट करके दूसरे Uh, दूसरे स्टेट्स में हालां इंडियन ना, ना हुआ तो कलिया कल छुका मनोंग बिकॉज दिस इज़ प्रोहिबिटेड तेना चुक पोटेटो सिस्ट ने मेटोर्स ना नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु ने क्या लाइक वाइज एप्पल स्कैप मा कॉमन डिजीज है ना पता नो जे एंड के नंग एचपी नंगा हिमाचल प्रदेश में सो दैट इज प्रोहिबिटेड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर स्टेट विद इन द कंट्री ठीक है ना दिस इज़ अबाउट डोमेस्टिक क्वारंटीन सेकेंड वी हैव इंटरनेशनल क्वारंटीन सो आपको पता है कि इंटरनेशनल क्वारंटीन ने ना मा फैसिलिटीज वेर यू हैव लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन प्लान्ट प्लान्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिटवीन वन कंट्री एंड अनदर टू एंश्योर बेस्ट एंड डिजीज़ फ्री मटीरियल सो एक जगह से हम एक कंट्री से दूसरे जगह दूसरे कंट्री में जब हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं ट्रेड करते हैं सो एट दैट टाइम क्वारंटीन जो होगा उसको आप इंटरनेशनल क्वारंटीन कहते हैं

एम्बार्गोचे जनानो जन अंगा ताई वेन द बेस्ट रिस्क इज़ वेरी हाई तंगा तई इज चलकशी इम्पोट गुशेज यूत कंडिये ना फॉर एग्जाम्पल मार्श एंडे कॉफी प्लान इज जरूरत वैक आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल्स है नॉट नेरीली कॉफी इट गुड बी एनी अदर थिंग इन्ना जो सीट मान पाई फॉर एग्जाम्पल व्ट इंद या कुछ भी uh, किसी और ओर्नमेंटल प्लान जिंग या चीजिंग प्लांट प्रोडक्ट्स ता कंट्री चिकने दूसरे कंट्री के ना ख्ये से जरूरत यो क्या फॉर एग्जांपल इंडिया को जरूरत है उस पर्टिकुलर प्लांट की जर्म प्लाज्म की वन मोर थिंग लेट मी टेल यू वन थिंग जर्म बोशी है सो जर्म प्लाज्म कैन बी एनीथिंग इट कैन बी सीड इट कैन बी अ ट्यूबर इट कैन बी अ कॉर्म इट कैन बी अ रनर it can be a cutting stem cutting chi ji ngin ka ve nga ta plant propagule nga ta further yang plant chenmo ji nga ta chung yang chi sun na te ve ka chung yang chi sun dot yang chi sun na te nga ta jam plants zara mo hele so te nga ta seed into tuber into chi ji so now nga ta nga philo ka country ji ne jam plants <laughs> go she zot ke nga ta country na khong go she zot na तेने वी नो लेकिन ओते पर्टिकुलर ngatai chizen germ plasm ya po pathogen hoy kya

अगर वो फैसिलिटी इंडिया में नहीं है उस पर्टिकुलर कंट्री में नहीं है कि हम उस सीड या चीज इंपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है उस सीड के साथ जो डिजीज़ आ रहा है उसको कंट्रोल करने की जो कैपेबिलिटी uh, है इन्फ्रास्ट्रक्चर है मशीनरी है वो अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हम उस इम्पोर्ट को रोक देते हैं सो वी आर नाउ नॉट गोइंग टू इम्पोर्ट द in our country so that is what it is uh, being told here when the pest risk is very high and the safeguards available in the country is not adequate then it was time pain.

उसके बाद कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिवस यहाँ पर मैं देख सकती हूँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी ऑब्जेक्टिवस ये एक सिर्फ मिस माने बट मडिया योथ देर आर मेनी एंड टेंड एंड एंडसटीन्स ऑफ योर ऑब्जेक्टिव बट देन आई हैव ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू टू नोट्स इन आंग संग मंग पो यूट क्या सो प्लीज़ रीड दैट आउट

प्लांट इंपोर्ट पों ताई और प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट पौन अंगा तक क्यों मिचुक जैसे चैसे ऑब्जेक्टिव बोरानो की ताकि फिलौकनेगा एक्सोटिक पेस्ट या डिजीज शिक इंट्रोड्यूस मिचा गति एरिया रही है सो सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू फेसिलिटेट सेफ ग्लोबल ट्रेड इन एग्रीकल्चर सोते ची फेसिलिटेट चुनो वी आर गोइंग टू फेसिलिटेट सेफ ग्लोबल ट्रेड इन एग्रीकल्चर सो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रेड होता है हला सो वी आर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल ट्रेड सोप ऑल अक्रॉस द ग्लोब वी आर डूइंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट चून हला हर कंट्री चूनो पर्टिक्युलरली इन एग्रीकल्चर इन आता है तो सेफ बोरचिस कंट्री चिक ने कंट्री चिका डिजीज जर्मी चुक्च हाला हल हाउ बाय असिसटिंग द प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स बाोवाइडिंग अ टेक्निकली कॉम्पिटेंट हाला हाउ टेक्नोलॉजिकली तॉम्पिटेंट यूथ इजुक फैसिलिटी त्रोवाइड चुके थ्रू द थ्रू द प्लांट क्वारंटीन देने एंड रिलायेबल फाइट्रोसैनिट्री सर्टिफिकेट सिसटम सो हाँ तु चल पो त फाइटो सैनिट्री सर्टिफिकेट सिस्टम होंगे नेक्स्ट लेक्चर रहना चाहक्षित विस्कोला ब्रीफली जेर इनकी मत हैं ट्रेड जो चाहें कोई भी प्लांट पार्ट हम एक जगह से दूसरी जगह जब एक कंट्री से स्पेशली दूसरी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं उस टाइम पे वी इश्यू अ फाइटो सैनिट्री सर्टिफिकेट ठीक था फाइटो मने प्लांट सैनिट्री मनी इट इज़ सैनिटाइज इट इज़ क्लीन हालांकि फ्री ऑफ पेस्ट और डिजीज क्या नहीं और जो सर्टिफिकेट चिंगाता है प्रोवाइड चाह उसके बाद ही वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होता है इन अ पर्टिकुलर कंट्री ठीक मिला सो दिस दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव इन ओपेस देखे ना तो नहीं इंट्रोड्यूस हमें चुक चेज स्प्रेड हमें चुक चेज डिस्ट्रक्शन छा में चुक च रेगुलेट चुस्चेज रिस्ट्रिक्ट चुचे ये अलग अलग पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिवस में बन जाते हैं तेनाजोला सेकेंड पॉइंट कहने तेनाते हैं सेफ ग्लोबल ट्रेड छा हल producers uh, provide, चुक चेस हल ल प्रोड्यूसर्स ना एक्सपोर्टर्स नए टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट मशीनरी प्रोवाइड प्रोसेस पो प्रोवाइड चुचेज तेनाजो टू प्रोवाइड फाइट्रोसैनिट्री सर्टिफिकेट जरा चोला अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आपके इन्हीं दो पॉइंट्स में से बन जाते हैं ओके okay. सो so, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप क्विकली देख लीजिए सो इट इज़ द इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स फॉलोड इन क्वारंटीन स्टेशन नाउ तंगाता है इफ़ uh, इफ़ इसको लसिल्स किंगाता है प्लान क्वारंटीन होता क्या है बेसिकली बेसिकली एक जगह से एरिया ए से एरिया बी में जो भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे इन दिस केस इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सीट सो वी डोंट वांट एन इन्फेस्टेशन ऑफ एनी डिजीज सॉले सो उस टाइम पे वी हैव द फैसिलिटी ऑफ प्लांट क्वारंटीन ठीक रहा सपोज यहाँ से एक चीज़ आपने लिया और आपने बी में इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे बी का लेकिन ना बी का लेबा चिक नाउ वी हैव क्वारंटीन स्टेशन जी क्य क्वारंटीन स्टेशन तो क्वारंटीन स्टेशन आपके एयरपोर्ट पे भी हो सकते हैं तेना तो उतला सी पोर्ट इगोट से चलो तो न तो उतला लैंड इका से चलो हला सो उस पसंग वहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर सीट का जो है जो भी सीट आ रहा है आपका बाहर से उसका जो है थरली इंस्पेक्शन होता है स्तान हेल्ग के डिजीज दूंगा मेरू सो so, उसमें काफ़ी तरह के इंस्पेक्शन है क्विकली आई एम गोइंग टू रीड दिस आउट नंबर फर्स्ट इज विजुअल इंफेक्श इंस्पेक्शन तो इजुक डिजीज़ खाची उत क्या कावे ना आता विजुअल स्तें आँग था जरिए ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ ते सिट्रस के आनो नींबू ही आनो हालांकि नींबू ही खतो आगा डिजीज पर डोडो अशन हो जहाँ पे आपको स्कलैरोशिया दिखेगा या इज़ुक क्या कावे का खेत ना आता है गोल गुंठों आते में टोडे जैसे हो डो insect infestation pilok khorang ne ngata kushik zana kushi philo nang ngata buzik yotik duk zata ngata pilok ne visual inspection ne ka pata cha mirwa sons patena tsoxla visual inspection ne ka ne chala khachik ngata pata chungyana no तेने गा टेस्ट ना, गा इंसेक्ट पो, ते पर्टिकुलर हम वॉश कर सकते हैं काफी सीड्स को तेने गाता है सीड पो तेने खुए फंगल एग्स गुन के नुत ते छुन अंकुआतना हम उसको भी देख के देख सकते हैं कि इन अंकु का दुगर में रुक सकते हे फंगस तेनाजुला सेडिमेंटेशन टेस्ट जो ऑन तेनगा स्टेम इल वम्स नहीं काडिमेंट्स छा चुकते वो आ, नीचे लिक्विड के नीचे भी हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं या उसको अलग कर सकते हैं ठीक है Uh, कई जगह पे हम इंक्यूबेशन टेस्ट करते हैं इंक्यूबेशन टेस्ट मैंने इस हमें कहने पता मैं अच्छा हम एक दो तो सीड्स लेके सीड्स खचे की कहने सैंपल लेनते फिर हम उसको इंक्यूबेट करते हैं या ना आता है अगारे का या गाता है हालाँ पी डी ए का ची का चो ना गाता है मीडियम जी का ग्रो चौनते सीट पर देन वी सी या खची नंग कुआ तेने गाता है ट्राई टू सी कि उस पर्टिकुलर सीट के आसपास बैक्टीरिया या फंगस ग्रो सोते दो गिरु अगर सोते उतना तो इस सीट्स को ना फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन

हम पो डाउनिम डूस नाइस हमें ग्रोथ चोचे इंक्यूबेट चोचे तेना चोसला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी थ्रू वहाँ तमा मांग पो प्लांट वाइरस इसको यंग सेरोलॉजिकल मेथड्स युद्ध क्या वना एलिसा डीबा आईसीएम एग्लूटिनाइजेशन टेस्ट जैसे तंगा ती सी आर चौनते चोसला मामा पो टेस्ट यूत के वहाँ ताई हाई लैवलिकाई टेस्ट जोस्ते पता चुकी है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रडाइजेशन यूत क्या चोसला पीसीआर कदू अल पी सी आर भी हम कर सकते हैं सो so, दीस आर द मैथड्स टू सी वेदर द इम्पोर्टेड मटीरियल हैज इन्फेक्शन और नॉट ठीक मेरा लोसपसा तेनेगा ती नेक्स्ट यूनिट इना तेने का ट्रीटमेंट इन ऑल दो इट इज़ नॉट इन यूर सिलेबस बट आई स्टिल वॉन्ट यू टू हैव सम नॉलेज ऑफ प्लांट क्वारंटीन बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और इस पर बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है बट देन वी आर लिमिटिंग आर सेल्स टू समॉपिक्स Then syllabus you only have introduction, then introduction, objectives, then importance next next lecture So I hope you understood this. If there is any confusion, please let me know.